मेरे शासन प्रेमी श्रावक भाइयों, प्रणाम। आज आपके सामने एक विनंती लेकर आया हूं। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में रहने वाले आप खुद को बड़ा ही खुश नसीब मानते होंगे, क्योंकि आप जिस संघ में रहते हैं वहां हर साल साधु साध्वी गुरु भगवंतों का चातुर्मास होता है और आपकी पर्युषण की भी अच्छे से अच्छी आराधना होती है। पर क्या आप जानते हो आपके इस सो कॉल्ड बेस्ट आराधना का श्रेय किसे जाता है? कुछ आपके संघ के अधिकारियों को, कुछ गुरु भगवंतों को, थोड़ा श्रेय आपके परिवार एवं आपके कल्याण मित्रों को जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक श्रेय आपके शहर से दूर छोटे गांवों में बसने वाले उन छोटे छोटे जैन संघों को जाता है जो शेष काल में हमारे जैन शासन के रत्न समान, हमारे साधु साध्वी भगवंतों के विहार के दरमियान उत्कृष्ट भाव से उनकी उत्तम प्रकार की सेवा करते हैं, जिसकी वजह से हम शहर वालों को ऐसे गुरु भगवंतों का लाभ मिलता है। पर अफसोस की बात तो यह है कि जिन संघों के विहार भक्ति की वजह से हमारे चातुर्मास की इतनी अच्छी आराधना होती है, उन संघों में हमारे पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना करवाने वाला भी कोई नहीं है। यह कैसी दयनीय परिस्थिति है हमारे जैन शासन की कि हम हमारे साधर्मिक की पर्युषण की आराधना भी नहीं करा सकते? क्या सच में हम इतने स्वार्थी हो गए हैं? मेरी आप सबसे अपील है, यह एक मौका मिला है हमको जहां हम इन छोटे छोटे संघों में जाकर पर्युषण की आराधना करवाकर इनका कर्ज चुका सके, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इन गांवों में रहने वाले हमारे श्रावक श्राविकाएं पर्युषण जैसी आराधना से भी वंचित रह जाएंगे और देखते ही देखते कुछ सालों में अपना जैनत्व गवा बैठेंगे। इन गांवों में हमारा एक भी जैन नहीं बचेगा और साधु साध्वी भगवंतों के विहार उतने ही कठिन हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। दोस्तों, तो चलिए इन छोटे छोटे गांवों में हमारे जैनों के घर को आबाद रखने के लिए, इन गांवों में जैनत्व को बरकरार रखने के लिए, इन संघों में हमारी भावी साधु साध्वी भगवंत के विहार को सुलभ बनाने के लिए, जैन शासन की धरोहर को जीवंत रखने के लिए, उन सभी आचार संपन्न एवं श्रद्धा संपन्न युवाओं से मैं विनंती करता हूं कि आप उन संघों में जाकर पर्युषण की आराधना करें एवं करवाएं जहां हमारे साधु साध्वी भगवंत नहीं जा सकते। यदि आप किसी प्राचीन तीर्थ या किसी कल्याणक भूमि के आसपास के संघों में जाकर आराधना करते हो तो आपको शासन सेवा के साथ तीर्थ सेवा का भी लाभ मिलेगा, यानी बाय वन गेट वन फ्री। इस कार्य के लिए आपका अच्छा वक्ता होना, अच्छा संगीतकार होना या अच्छा विधिकार होना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी आपके आचार संपन्नता और शासन सेवा के भाव का है। इस कार्य के मार्गदर्शन के लिए आप तपोवन, वर्धमान संस्कार धाम, समकित ग्रुप एवं जैन अलर्ट यंग ग्रुप जैसी संस्थाओं का संपर्क करें जो पिछले कई सालों से इस कार्य में अपने प्राण डाल रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप www.samkitgroup.com इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। याद रखिए, शासन सेवा का अपूर्व अवसर यानी चलो पर्युषण की आराधना करें, शासन से मिली शक्तियों का सदुपयोग करने का मौका यानी चलो पर्युषण की आराधना करें, बिंदु समान कार्य और सिंधु समान लाभ यानी चलो पर्युषण की आराधना करें।